एक्सोटिक सीजन 13 में मिस्टर इंडिया एक्सोटिक सुंदरनगर के वरुण को और कुल्लू की वनीता गौतम को मिस इंडिया एक्सोटिक के खिताब से सम्मानित किया गया। वहीं सुंदरनगर अंकिता को बेस्ट एटीट्यूड के खिताब से नवाजा गया। वहीं सुंदरनगर पहुंचने पर उनके गुरु अमित भाटिया ने वरुण और अंकिता का स्वागत किया। वहीं इस खिताब से सम्मानित किए जाने के बाद वरुण को पंजाबी फिल्म और एल्बम में काम करने का ऑफर भी दिया गया, जिसके लिए वरुण जल्द ही रवाना होगा। वहीं वरुण और अंकिता ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरु अमित भाटिया को दिया। बता दें कि वरुण सिटीरिस्ट में भी प्रशिक्षण दे चुके हैं और कई मोबाइल कंपनियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। हेलो, मेरा नाम है वरुण और मैं आपको बता दूं, आज मैं जो इवेंट करके आया हूं जिसका नाम है मिस्टर इंडिया एक्सोटिक 2017, जिसका मैं विनर हूं मिस्टर इंडिया एक्सोटिक। एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी, स्पेशली थैंक्स टू अमित सर, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया। और इतने बड़े शोज करने के बाद भी, मैंने टी सीरीज जाने के बाद भी, मैंने वापस में आके ये इवेंट किया। टुडे आई एम रियली हैप्पी एंड दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड ऑफ मिस्टर इंडिया एंड दिस टाइटल इज वेरी यूनिक फॉर मी। लाइक अभी तक मैंने ऐसा कोई मिस्टर इंडिया वाला इवेंट नहीं किया था एंड आई एम रियली रियली फीलिंग प्राउड टुडे। इस विनिंग प्राइज के बाद मुझे एक मूवी, पंजाबी मूवी और एल्बम में भी काम मिला है और जल्दी मैं एक पंजाबी मूवी और एल्बम में भी दिखाई दूंगा। मेरा नाम अंकिता गुप्ता है और मैं सुंदरनगर हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और आज का एक जो ये इंटरव्यू हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चंडीगढ़ अम्बाला सिटी में एक इवेंट से एक बैच जीत के आई हूँ जिसका टाइटल है बेस्ट एटीट्यूड और वो इवेंट था मिस्टर एंड मिस इंडिया एक्सोटिक 2017। ये इनका 13 सीजन था और आई एम रियली रियली फीलिंग प्राउड राइट नाउ। और जब ये प्राइज और ये सैश मुझे बनाया गया था, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो रैंप पे वॉक करना मॉडल्स के साथ, एक्सपीरियंस मॉडल के साथ। और मैं थैंक करना चाहती हूँ अमित भाटिया सर का, जो फीट ऑफ फायर के एमडी हैं, जिनके थ्रू हमें ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं और ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए।